वेलकम टू फ्यूमल टेक्स डे 32। माय नेम इज गौरव तसीवला और आज आप इंटर्नशाला वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करने से लेकर इंटर्नशिप अप्लाई करने तक के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। एंड इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप इंटर्नशाला पर अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, अपनी प्रोफाइल सेटअप कर पाएंगे, अपने जो इंटर्नशाला का जो रेज्यूमे होता है उसको डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड कैसे आप अपने लिए अप्रोप्रिएट इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपने शॉर्टलिस्टिंग या सिलेक्शन के चांस को इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट टू दिस लर्निंग वीडियो। सो वैसे तो इंटर्नशाला का एप्लीकेशन भी आता है बट मैं एप्लीकेशन से नहीं वेबसाइट से ट्राई करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मोबाइल में स्पेस नहीं है। सो अभी जस्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रोम पर जाएंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोम में, मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमको सिंपली लिखना है, आप चाहे तो यहाँ गूगल पर सर्च बार में लिख सकते हैं या फिर एड्रेस बार में लिख सकते हैं इंटर्नशाला, राइट। सो जैसे आप टाइप करोगे देख सकते हो इंटर्नशाला यहाँ पर आ भी रहा है, राइट। सो हमको यहाँ पर क्लिक करना है, टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। सो आप देख सकते हो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में कि एडी अगर आता है तो वो ऐड होता है। सो यहाँ पर ऐड नहीं है, ये इंटर्नशाला की वेबसाइट है। सो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। अब ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम दिल्ली NCR बैंगलोर वगैरह। सो बहुत सारी इंटर्नशिप्स यहाँ पे आपको दिखेंगी बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे क्योंकि बाद में भी अप्लाई करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। सो रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैंने रजिस्टर किया बट ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो द थिंग इज़ कि बहुत लोग गलती से या बहुत स्टूडेंट गलती से एम्प्लॉयर पर क्लिक कर लेते, तो हमको एम्प्लॉयर पर क्लिक नहीं करना है। हमको अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमको एज ए स्टूडेंट पर क्लिक करना है। सो एज ए स्टूडेंट पर हम क्लिक करेंगे सो हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा। सो आप चाहो तो अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख कर भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से गूगल से करूँगा एंड गूगल से कैसे हम साइन इन करते हैं वो मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं, यहाँ भी मैं बता दूंगा। ईमेल आईडी बनाना, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है सो अभी जस्ट आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप जाकर और अपनी ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख सकते हैं। सो अभी जस्ट मैं साइन अप विद गूगल पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आ चुकी है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सो देखिए ये ऑटोमेटिकली सिंक कर लेगा मेरी इस आईडी को एंड देन ये रिडायरेक्ट कर देगा हमारे इस पेज पर, राइट। सो अब हम यहाँ पर जो इस पेज है यहाँ पे अपने डिटेल्स भर सकते हैं। सो मिस्टर नाम मेरा यहाँ पर है ये, फिर हम अपना मोबाइल नंबर जो भी है, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देना चाहते हो वो दे सकते हो, आपकी करंट सिटी जो भी है जहाँ पे आप रह रहे हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, राइट। मैं यहाँ पर अपनी सिटी लिख देता हूँ, राइट। उसके बाद आप अपनी सेकंड सिटी जहाँ भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है देखिए कि आप जहाँ पे करंटली रह रहे हो वहाँ पे फर्स्ट सिटी आपको डालनी है एंड जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो या जहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे दोनों लोकेशन पे हम अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे जयपुर डाल दे रहा हूँ, राइट, ओके। और उसके बाद हमको करना है सेव एंड नेक्स्ट। तो दो लोकेशन देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, सो जो भी आपको रिकमेंड हो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सो जैसे आप क्लिक करोगे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दोबारा। सो हमने इंटर्नशिप की बात की तो मैंने इंटर्नशिप पे क्लिक किया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपको कौन सी इंटर्नशिप चाहिए, इन ऑफिस चाहिए या वर्क फ्रॉम होम चाहिए। सो अभी जस्ट मैं दोनों कर दे रहा हूँ और वर्क फ्रॉम होम अगर आपको चाहिए तो आप ट्राई कीजिएगा कि वर्क फ्रॉम होम ही रहने दे। सो जैसा आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हो। अब आप किस फील्ड में करना चाहते हैं, सो फील्ड यहाँ पे बहुत सारी है, देख सकते हो आप एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग। सो मैं सिंपली अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पर अभी मैं चूज़ कर ले रहा हूँ। सोशल मीडिया आप लिखोगे तो जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पे आ गया है। सो अभी जस्ट मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज़ कर लिया है। उसके बाद अब सेकंड अगर आपको और कुछ भी है सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी अप्रोप्रिएट कौन सी है, जो भी इंटर्नशिप आपके अप्रोप्रिएट हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो एनिमेशन लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग हो तो वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। उसके बाद आप कौन कौन सी सिटी में प्रेफर करना चाहोगे तो जो सिटी है आप यहाँ पर सिटी लिख सकते हो। सो यहाँ पर मैं जयपुर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको सेव करना है सिंपली। सो मैं यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। सो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी वीडियो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी इंटर्नशिप यहाँ पे आ सकती है। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट या फिर कोई भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा क्या, तो हम प्रोफाइल भी अपना सेटअप करेंगे। सो फर्स्टली हम अपना प्रोफाइल भी सेटअप कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको देख रहा है यहाँ पर थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर
डिटेल से वो आ जाएगी, तो बाकी सारी डिटेल्स पे नहीं जाते हैं, हम जाते हैं एडिट रेज्यूमे वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडिट रेज्यूमे वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सब कुछ दिखेगा, सो आपको डिटेल्स भरनी है सिंपली। सो ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है सो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और देन आप अगर परस्यूइंग है, अभी आप पढ़ ही रहे हो तो आप परस्यूइंग पे क्लिक कर सकते हो, अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो आप कंप्लीटेड पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं कंप्लीटेड कर दे रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बनारस यूनिवर्सिटी, राइट। जैसे आप लिखोगे तो नीचे आपको ऑप्शंस भी कुछ दिखाई देंगे, सो उसमें भी आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने जब ग्रेजुएशन किया था तो उस ग्रेजुएशन का ईयर आप लिख सकते हो, सो मैंने 14 से 17 किया था तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ये। ओके, सो जो भी डिग्री आपने ली है वो यहाँ पे मेंशन कर देना, आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने किया था तो मैं, और यहाँ पे अगर आप कोई भी स्ट्रीम जो भी आपकी थी, जो स्पेशलाइजेशन था वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे इंग्लिश कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपकी परसेंटेज क्या थी, तो अगर आपका CGPA है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं CGPA तो क्या करें या परसेंटेज है तो क्या करें, सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अब ये क्या है, अगर आपका जो CGPA है वो 10 में है, 10 में अगर वो मार्क हुआ है या फिर 9 में हुआ है तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज परसेंटेज में हुआ है तो आप यहाँ पे परसेंटेज पर ही क्लिक करके अपना जो भी परसेंटेज आपका रहा हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। वैसे ऑप्शनली आप चाहो तो कर सकते हो वरना नहीं, तो CGPA वाला ऑप्शन मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और जो भी है मैं एग्जाम्पल के लिए 7 कुछ मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, राइट, और सेव कर दे रहा हूँ। सो ये हो गया, ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो ग्रेजुएशन है वो ऐड हो चुका है। सो ऐसे आपको अपना ग्रेजुएशन सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है या फिर PhD किए हुए हैं तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। उससे सिंपली ये होगा कि एम्प्लॉयर के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और जिसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है लोग उसी को जल्दी शॉर्टलिस्ट करते हैं, राइट। हाँ, एक रीज़न और हो सकता है इसमें कि अप्रोप्रिएट पर्सन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्किल्स वगैरह होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। सो नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको, अगर आपने कोई जॉब की है ऑलरेडी, इंटर्नशिप की हुई है, सो वो सब डिटेल्स या कोई ट्रेनिंग कोर्स वगैरह किया हुआ है सो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उससे क्या होता है, उससे सिंपली ये होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके एम्प्लॉयर के पास चली जाती है। उसके बाद मान लीजिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो मैं यहाँ पे जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्लिक दे रहा हूँ कि लाइक मैंने कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कुछ किया हुआ है, राइट। ओके, सो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप लिख सकते हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने किया हो। सो मैं यहाँ पे ग्रीन लिख दे रहा हूँ, राइट, ग्रीन टैग ऐसे। ओके, सो उसके बाद ये ऑनलाइन था, अगर ऑनलाइन था तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हो, राइट। और अगर ये ऑनलाइन नहीं था, आपने किसी एरिया में किया था, सो आप यहाँ पे उस लोकेशन का नाम डाल सकते हो। सो मैं जस्ट यहाँ पे वाराणसी लिख देता हूँ, राइट। उसके बाद आपको स्टार्ट डेट एंड डेट, जो इंटर्नशिप की स्टार्ट और लास्ट डेट थी वो यहाँ पे लिखनी है। सो आप, मैं यहाँ पे सिंपली चूज कर ले रहा हूँ, राइट, 2020 मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, राइट। और एंड डेट, अगर मान लीजिए आप अभी भी अगर करंटली वर्किंग है वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हैं, आपकी इंटर्नशिप सॉरी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है तो करंटली ऑनगोइंग पर आप क्लिक कर सकते हैं, और ख़त्म हो चुका है सो आप यहाँ पे क्लिक करके जो सेलेक्ट जो भी डेट है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, राइट। सो चूज़ करने के बाद अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने क्या क्या सीखा, एंड देन सिंपली आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो देखिए, जैसे कि हमारी जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स थी वो सेव हुई थी, ये डिटेल्स भी सेव हो है। जैसे हमारी ग्रेजुएशन की डिटेल सेव हुई थी वैसे हमारी ट्रेनिंग की डिटेल भी सेव हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह, इंटर्नशिप, जॉब जो भी आपने किया हो वो सब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास जो भी स्किल्स है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल है, और उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में मान लीजिए आप बिगनर है, एडवांस है या मीडियम है, सो वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, अभी मान लीजिए से आप बिगनर हो तो आप बिगनर क्लिक कर सकते हो, एंड देन यहाँ पर जो भी स्किल है वो ऐड हो जाएगी, राइट। ऐसे ही अगर एडोब फोटोशॉप आपको आता है तो उसमें भी बिगनर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आप इंटरमीडिएट हैं मान लीजिए, सो आप क्लिक कर सकते हो, तो ऐसे आपकी स्किल्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, जो भी आप सर्च करोगे
सो यहाँ पे आ भी जाएगा। लाइक ये देखिए, जे आपने लिखा तो इतना सब कुछ आ गया है। अगर आप ए लिखोगे तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स यहाँ पे आ जाएगी। सो वो स्किल्स आपको ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे अगर आपका कोई ब्लॉग है या फिर आप कुछ भी लिखते हो, कोई एप्लीकेशन है आपका, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आप दे सकते हो। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपका जो भी रेज्यूमे है, जितने भी आपने डिटेल्स भरी होगी, वो सब यहाँ पे शो होने लगेगी। सो जब भी आप अप्लाई करेंगे किसी भी किसी भी इंटर्नशिप में, तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर के पास पहुँच जाएगी। तो सिंपली लोग नॉर्मली अप्लाई कर रहे होंगे, और आपका कहना कहीं इतना सारा इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर के पास पहुँचेगा, जिससे आप शॉर्टलिस्ट होने में आपकी मदद होगी। अब बात ये आती है कि बहुत सारे लोग इसको रेज्यूमे समझ लेते हैं, तो यहाँ पर रेज्यूमे है, आपकी डिटेल्स है, और रेज्यूमे डाउनलोड भी कर सकते हैं आप यहाँ से। बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है टेक स्किल की, उसमें रेज्यूमे कैसे बनता है वो सिखा दूंगा। तो आप इस रेज्यूमे का यूज़ मत कीजिएगा कहीं और आप एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। सो इस रेज्यूमे का अप्लाई आपको नहीं करना है। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे। सो ये सब हमारा रेज्यूमे सेटअप करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटर्नशिप पर क्लिक करना है। इंटर्नशिप पर जैसे ही क्लिक करोगे, अब आपको अप्रोप्रिएट अपनी इंटर्नशिप जो है वो सर्च करना है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोड करो यारो। सो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट वगैरह आप चेक कर सकते हैं थोड़ा डिटेल्स में जाने के लिए। और बेहतर रहेगा कि आप वेबसाइट पे चले ही जाएं एक बार। यहाँ पे वेबसाइट भी दी हुई है, तो वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेंगे क्या क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ देख सकते हो कि क्या क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एंड क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आप देखे होंगे कि हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था इन स्किल को। लेकिन अगर आप में ये स्किल नहीं है, तो डेफिनेटली आप जाके कहीं सीख लीजिएगा, उसी के बाद अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को कोई भी पर्सन घर से बैठ के इस इंटर्नशिप को कर सकता है। 2 मंथ की इंटर्नशिप है, एंड स्किल एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। और अगर इसमें लड़कियां अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहती है, तो वो भी अप्लाई कर सकती है। इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, और नंबर ऑफ ओपनिंग्स इसमें 10 हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो यहाँ पे अब हो सकता है बाकी सारी डिटेल्स जो कि वो ओरिएंट करेंगे। सो यहाँ पे मैं सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दूंगा। सो आप देख सकते हो जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि आप एडिट कर सकते हो। सो यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन अलग अलग इंटर्नशिप में आप कर रहे हो, लाइक वीडियो एडिटिंग में कर रहे हो या फिर अडोब फोटोशॉप में कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप अपने स्किल्स वगैरह बदल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यही अप्रोप्रिएट है और मैं इससे कर सकता हूँ, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहीं पर आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और प्रोसेस होगी। लेकिन कुछ में थोड़ा सा टफ होता है, तो टफ होने का आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको क्यों हायर किया जाए। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि क्यों पर्टिकुलर आप इस रोल के लिए फिट हैं, राइट। और आप 2 महीने के लिए अवेलेबल है, आप इमीडिएटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। जो भी आंसर्स आपको अप्रोप्रिएट लगे वो लिखना है, और लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। सो ये कुछ कंपनीज, वैसे तो आपको अगर अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप, जिसके जस्ट पहले जो ऑप्शन आया था वहीं पे अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनी थोड़ा सा टफ करने के लिए, और थोड़े से एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी, तो उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये एक ऑप्शन रखते हैं कि ताकि उनके पास कम से कम एप्लीकेशन पहुंचे। सो आपको जो भी अप्रोप्रिएट आंसर फिल कर देना है, फिल करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने सक्सेसफुली आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद आप अगर और भी इंटर्नशिप सर्च करना चाहो या रिकमेंड भी करेंगे, वो इंटर्नशिप भी आप देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अब इंटर्नशिप आपने अप्लाई कर दिया है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा इंटर्नशिप दिखेगा कहाँ, हमने अप्लाई किया जो। तो आपको यहाँ पे मेन्यू बार पे जाना है। मेन्यू बार पे आप जैसे ही जाओगे, सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, सो यहाँ पे देखिए आपने ये जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट किया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है, जैसे 10 पोजीशन थी, अभी तक 6 ने ही किया है। सो यहाँ पे चांसेस हैं कि मुझे ये जो इंटर्नशिप है वो मिल सकती है।
लेकिन हाँ एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया जो था इसका वो मैं फुलफिल कर रहा होऊंगा एंड देन जो मेरे आंसर हैं वो एप्रोप्रिएट होंगे तो डेफिनेटली मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। और ये डिपेंड करता है कि सो लास्ट डेट मान लीजिए जैसे कि 5 है और सिर्फ 10 ही एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो चांसेस हैं कि मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊँ। एंड उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का कि आपने क्या क्या सबमिट किया था एंड देन सो ये है। सो ऐसे आप अपना अकाउंट जो है इंटर्नशाला पे बना सकते हैं, अपना रेज्यूमे सेटअप कर सकते हैं और रेज्यूमे सेटअप करने के बाद किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की लर्निंग अच्छी लगी होगी और आपने साथ ही साथ प्रैक्टिस की होगी। अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की तो एक बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप में से किसी एक की लाइफ में भी चेंज आता है या फिर इंप्रूवमेंट आता है मेरी इन वीडियोज़ के थ्रू या फिर फ्री मोबाइल टेक स्किल्स कोर्स के थ्रू, तो इस कोर्स को बनाने का जो पर्पज है वो फुलफिल हो जाएगा। एंड आपको लगता हो कि ये लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके जो साइड में जो बेल का आइकन है उससे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फ्री मोबाइल टेक स्किल्स कोर्स। तब तक खुद भी सीखते रहिए, दूसरों को भी सिखाते रहिए, खुद भी आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे।